इकबाल की जुबान भी बात शुरू करते हैं, खुदा से किसी तूफान से आशना करते हैं कि तेरे लहर की मुश्किलों में इतराब है। और स्टूडेंट्स के लिए शुरू करते हैं, गुजर गया से आगे की चिरागे रहा है। इकबाल को आज की नौजवान नस्ल और आज के मुआशरे के ऊपर लागू करके देखना। इकबाल के पैगाम की हमने शक्ल तलाश करनी है, उसके लिए आपकी भी मोहब्बत चाहिए। अगर मैं आप अपने गिरदो पेश में देखें, अपने बाजारों में, अपनी सड़कों पर, अपने तलीमी इदारों में, अपने घरों में, तो क्या यही वो मुआशरा है? क्या हम ही वो मुखातिब हैं इकबाल के, जिन्होंने इकबाल का मुखातिब होने का हक अदा किया? क्या यही वो मुआशरा है जो इकबाल की आदत ऊपर चल के पैदा हो जाए? क्या हम हैसियत कौम अपने शोर रोज के दौरान होने वाली चीजों से मुतमिन क्यों जी मुतमिन है? अब सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल वाकई काबिले कबूल है? अगर ये काबिले कबूल है तो इसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं, पैसे चलने देना चाहिए। और अगर ये दुरुस्त नहीं तो इसमें तब्दीली की जरूरत। मैंने गुज़श्ता 9-10 साल से तालीमी इदारों के साथ काम किया है और दूसरे इदारों के साथ भी काम किया है। और मैं खुद भी क्योंकि किसी मिट्टी का हूँ है, तो ये हर जगह पे मैंने बाज़ सुनी कि तब्दीली की जरूरत है, मगर कैसे? क्या ये तब्दीली हुकूमत के हवालों से शुरू होनी चाहिए, सियासत के मैदानों से शुरू होनी चाहिए, अदलिया के निजाम से शुरू होनी चाहिए? किधर से स्टार्ट करें? देर बी वन स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को पा लें तो हम उस बुद्धि को सुलझाने में शायद कामयाब हो सकते। तो मेरी बात 8-9 साल की जो सही है, उसका रिजल्ट ये है कि ये वो जगह है जहां पर मैं पड़ाव के बात कर रहा हूं हमारे तालीमी इदारे, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है आपके पीछे बैठे हुए साथ काम के जो आपने तैयार करके लोगों को देनी है और इसलिए डिलीवर करना है। वो बतौर ड्राइवर, बस कंडक्टर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये सब इन्हीं में से बनते हैं। शायद इनमें से हम इकबाल में अब ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रही होती तो आपको मुआशरे में दो तबकात मिलते, एक पढ़े लिखों का तबका, एक अनपढ़ों का तबका, और उनकी परफॉर्मेंस में यूं क्या है? एक सड़क पे जा रहा है, बेपरवाही से मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहा है, और एक पढ़ा लिखा है ये बेपरवाही और अनपढ़ है, और ये पढ़ा लिखा ये बड़ी एहतियात से चलाता है, कानून कायदे में पाबंदी करता है। इसी तरह बाकी शोभा जिंदगी के आदमी देखिए, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात का मेरा उसके काम का मेरा दोनों ही एक जैसे, इसका मतलब है पढ़ाई के बारे में बड़ा कुछ।
मेरी नज़र में उसकी वजह यह है कि हमने अपने माशरती निज़ाम की बुनियाद पर लोगों पर हमने तो मफरूज़े का किया, माँ ने तो मफरूज़ा का किया, बच्चा स्कूल जाएगा, मदरसे जाएगा, सारा दीन सीख लेगा, सारे रंग सीख लेगा। उस्ताद ने कहा मेरे पास तो 5-6 साल का है, इससे पीछे की सारी चीज़ें उठना बैठना सलाम के दाम ये वो सारी चीज़ें सीख गया है। बच्चा सड़क पर चलेगा तो ट्रैफिक रूल सीख लेगा और सुना है सुबह बाहर जब उठ जाएगा काम सीख लेगा। इसी तरबियत के फर्क में इन्हीं गलत मकसदों ने इस मुकाम पर पहुंचाया मेरी नजर में जहां पे पहुंच ये प्रोडक्ट डिलीवर करेगी तो शुरू का मसला ये प्रोडक्ट डिलीवर कर नहीं सकती जब तक ये कारीगर उस हुनरमंदी से इसको तराशे नहीं, उनमें वो एप्टीट्यूड्स और क्वालिटीज ना भर के भेजे जो आइंदा इनके यूजर का उनकी जरूरत है। तो ये फिर घूम फिर के मेरी नजर में साथ में काम नहीं आती। आप हैं जो कौम के कल को संभाल सकते हैं, आप हैं जिनकी वजह से इस कौम का मुस्तकिल तामझाम हो सकता है। खुदा की कसम उठा के कहता हूं पायलट स्कूल की तो मेरी मां ही नहीं थी, जो भाई ने कह दिया उनकी मोहब्बत है, मैं पायलट स्कूल का नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे साथ का जो भी दे जाओ गया जिधर मैं खड़ा भी हो मुझे ये लफ्ज नहीं ना बोलने रहे थे। तो बच्चों से यही गुजारिश है बेटा हम नहीं होंगे आप होंगे, किस तरह का होना देख सकते हैं ना कानूनियत वाला जुल्म और ज्यादती वाला तो रुकना चाहते नहीं मुआशरे में, क्या देखना चाहते हैं कल के आने वालों के लिए किस तरह का निजाम छोड़ के बनना चाहते हैं, जिस तरह का चाहते उस तरह का काम शुरू कर दें। जो आज बोएंगे सो कल काटेंगे, वो कल के लोगों में ऐसे कुछ हक नहीं रखता, जो आज उनका फरोज जिक्र सूरत नहीं है वो कौन नहीं लाए कि अपना पाए करता जिस कौम की तकदीर में तुम रोज नहीं। और ये अकाउंटेबिलिटी ये मेरी जात से शुरू होता है, ये आपकी जात से हमें देखना है और हमें इस चीज के ऊपर अब गौर करना है कि कैसे एक दो बात करके भी जाते हैं फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो कभी जराए को मकसद ना समझना और कभी रस्ते को मंजर ना समझना, अगर इन दो चीजों में मुकाबला खा गए तो फिर कभी भी मंजर से नहीं पहुंचेंगे, फिर कभी मकसद को नहीं पा सकते। लेकिन आप तो लाहौर जा रहे हैं बड़ी अच्छी फ्लाइट कोच मिल गई तो हमने कहा बस या ये राम दे ऐसी वाली जगह तो यही हमारी असल मंजर है तो फिर लाहौर कैसे अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे ही किया। ये जराए थे तालीम जरिया थे वसायल जरिया थे इस जिंदगी के अंदर दिया हुआ वक्त जरिया था, मकसद क्या था जिस मकसद के लिए रब्बे कायनात ने इस दुनिया में भेजा है उस मकसद को पाने को क्या है। मन को किया किताब और भी अमीन ही फसों पर वासों के सामने के सीना वयन का लिखने के लाभ लेकिन वो कौन कामयाब जिनके दाएं हाथ में क्यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते नामाए मालूम मारेंगे और वो खुश आएंगे अपने घर होंगे और वो क्या कहेंगे बाजा किताब ही आई है देखो मेरी किताब, जैसे बच्चा पास हो जाए तो काट के बाद में दाल लगा लेगा पापा ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड मैं पास हो गया मैं फर्स्ट आ गया। तो बेटा ये दुनिया की सारी चीजें मकसद नहीं जरिया है, ये रास्ता है मंजिल नहीं है। परे है चल चली थी पांव से मंजिल मुसलमान की सितारे जिसकी गर्दे लाल है बुखार बात है। तो ये आज क्योंकि इकबाल को हम याद कर रहे हैं अब हमें किसी ना किसी तौर पे अपने आप को इस अहद अहद साबित
क्या वो पौधे ना लगाए जो कल के लोगों को साया देंगे? हम हैं चिरागे आखिरी शब्द, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, तो वो उजाला होंगे आप। अब ये हर बच्चा अपने को होकर समझे, मैं कैसे अच्छा तालमेल करूंगा। और अच्छे तालमेल की एक खूबसूरत जो मैंने सीखी और जिससे मुझे अल्लाह ने कुछ अता किया, वो सिर्फ और सिर्फ अदब है, सिर्फ और सिर्फ अदब है अपने बड़ों का, खास करके अपने साथियों का। जिसने ये सीख लिया, अल्लाह आपके उस्ताद के सीने से वो इल्म निकाल के आपके सीने में डाल देगा। एक मोबाइल तो हम खुद से दूसरे में डाल सकते हैं, तो अल्लाह के नाम में इतनी भी ताकत नहीं कि आपके उस्ताद के सीने के इल्म को आपके सीने के अंदर मुंतकिल कर दे। लेकिन इसका ब्लूटूथ वो अदब की लाइन है, वो अदब का कालम है, जो कायम करेगा उसको अदा होगा। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइवेट स्कूल के सर का और सरकारी का, हमारे साथ का क्या है मुझे मौका फराहम किया और हम लोग मिल बैठे। अल्लाह आप सबका अमीर नसर हो, पाकिस्तान फाइल में मर मर के जी रहे हैं, कभी जी जी के मरे हैं।
इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मक्कारियो अय्यारियो गद्दारियो रे जान, अब बनता है इन चार असर से मुसलमान। तारी इसे कहना तो बड़ी बात है यार, इसलिए तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। मक्कारियो अय्यारियो गद्दारियो रे जान, अब बनता है इन चार असर से मुसलमान। कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। जो मेरी हस्ती का मकसद है मुझे मालूम है,
मेरी हस्ती का मकसद है मुझे मालूम है, दिल सब को खा रहा है मुझे को खा रहा। किसी आपका रहूं सुन फरामोश रहूं, फिक्र बर्दा न करूं पहले जमे दोष रहूं। इकबाल ने जो शिकवा लिखा था, किसी आपका रहूं सुन फरामोश रहूं फिक्र बर्दा न करूं पहले जमे दोष रहूं, नाले गुरु गुरु के सुनूं और हमदम दोष रहूं। हम नवाज मैंने कोई गुरु गुरु के फरामोश रहूं। और इस पूरे शिकवे के जवाब में से एक शेर जो जवाब शिकवा का सामना हुआ है और मुझे बहुत पसंद आया है। इकबाल फरमाते हैं, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला वो इंसान समझा। बहुत प्यारे दास से इशारा कर रहे थे अरहम रिजवान। और अब क्लास नहम के एक और तालिब इल्म मोहम्मद कासिम को दावत हुआ जो हमारे फॉरन बाद 15 या 15 मिनट या 20 मिनट बिफोर योर क्लासेस।